आदरणीय श्री रमेश धवाला जी और यहां उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से हमारे मेंबर पार्लियामेंट कांगड़ा चंबा के आदरणीय श्री किशन कपूर जी, हमारे बीच में विजय अग्निहोत्री जी, जिला के अध्यक्ष संजीव जी, मंडल के अध्यक्ष मानसिंह जी, यहां निर्मल सिंह जी, रामलोक कनौटिया जी और यहां उपस्थित सभी अधिकारीगण, सबका नाम मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है, और उपस्थित सभी भाई और बहनों को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि हमारे बीच में माननीय सांसद किशन कपूर जी भी यहां पर हैं, उनका संबोधन नहीं सुन पाए क्योंकि मुझे एक तो आने में देरी हो गई है। थोड़ा आने में भी बहुत देर हो गए और उसके बाद फिर अभी शिमला भी पहुंचना है क्योंकि कुछ कार्यक्रम शिमला के निर्धारित हैं और पायलट का कहना है कि अभी हमको चलना पड़ेगा। आज आपके बीच में इस कार्यक्रम में श्री धवाला जी ने सारी विस्तार से अपनी बात कही है। कार्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार का हमने ये बनाया है कि हिमाचल प्रदेश के हमारे 75 वर्ष की यात्रा पूरी की है, जहां पूरे देश भर में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि आजादी के 75 वर्ष, वहां सहयोग यह है कि हिमाचल के भी 75 वर्ष हमारे गठन के पूरे हुए हैं। इसलिए हिमाचल के इस यात्रा में जो हमारे भाई बहनों का सहयोग रहा है हिमाचल को आगे बढ़ाने में, हिमाचल को यहां तक पहुंचाने में, उसके लिए हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में सभी क्षेत्र में जाएंगे, सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के लोगों का सार्वजनिक सभा में उनका धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे जिनके सहयोग से हिमाचल आगे बढ़ा है। और इसलिए आप सबका धन्यवाद करने के लिए हम यहां ज्वाला जी पहुंचे। मां ज्वाला जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और आने वाले समय में इस क्रम को हम और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके हिमाचल की प्रगति के लिए हम कामना करते हैं। अभी आदरणीय धवाला जी कह रहे थे आपके इस क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन, बीडीओ का ऑफिस, आईटीआई और इसके अतिरिक्त बहुत सारी सड़कों के लिए पैसा, पेयजल योजनाओं के लिए पैसा, जिसका विस्तार से वो जिक्र कर रहे थे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ यहां ज्वाला जी विधानसभा क्षेत्र की ही बात नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में हमने काम किया है और इस विधानसभा क्षेत्र में जहां जो आवश्यकता लगती थी और खास तौर से जो हमारा इस विधानसभा क्षेत्र का ऐसा इलाका था जो थोड़ा दुर्गम है, पिछड़ा हुआ है, कठिन है, कुंडिया वाला इलाका, उस इलाके में चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात है, चाहे वो पुलों के निर्माण की बात है, चाहे वो और विकास की दृष्टि से और चीजें करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि जितना प्रयत्न हमारी सरकार ने किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना प्रयत्न पहले कभी नहीं हुआ, इस बात को मैं कह सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात से भी सहमत हूं, बहुत कुछ अभी तक करने को बाकी है, इसमें दोराय नहीं है, उसके लिए भी सारी चीजों को लेकर के हम प्रयत्नशील है आने वाले समय में। अभी धवाला जी ने बहुत सारे, अभी चुटकुले का दौर इनका समाप्त नहीं हुआ था, उनको हमको आग्रह करके बोलना पड़ा कि भाई हो गया, अब किसी और दिन चुटकुले सुनने के लिए हम भी आ जाएंगे, बाकी लोगों को भी बुला लेंगे। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश के इस 5 साल की हमारी सरकार का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, हमने काम करने की कोशिश की है, कठिन परिस्थितियों में काम करने की कोशिश की है। यह सामान्य परिस्थितियों का कार्यकाल नहीं था भाई और बहनों, ये परिस्थिति अलग तरह की थी।
जब जीवन को बचाने का संकट हमारे सामने पैदा हो गया, तो जो आज से पहले न किसी हमारे बुजुर्ग ने देखा, न हमारी हमारे हम अब जो अन्ना है हमने हम लोगों ने देखा था, और न ही शायद आने वाली पीढ़ी भी इस तरह का दौर को देखेगी। और भगवान करे कि ऐसा दौर देखने को मिले ही ना। कहने के तो हम 5 वर्ष का कार्यकाल कह रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि 5 वर्ष में से 3 वर्ष काम करने का मौका मिला, 2 वर्ष हमारे आदमी की जिंदगी को कैसे बचा सकते हैं उसके लिए हमको पूरा ताकत लगानी पड़ी। हम आप सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, जिन्होंने संकट के क्षण में हिम्मत दी, हौसला दिया, और उस हौसले की वजह से पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। आज अगर हम हजारों की संख्या में यहां पर इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, तो इसलिए बन पाया ये संभव क्योंकि सब भाई बहनों को वैक्सीन लगी है, बिना पैसे के वैक्सीन लगी है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगी है, एक नहीं दो दो डोज लग गए। हालांकि कई तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिशें हुई जब वैक्सीन बंद करके तैयार हुई। हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि हम तो नहीं लगाएंगे, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, ये तो मोदी वैक्सीन है, इसकी अभी टेस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है और न जाने इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे। इतना बड़ा संकट हमारे सामने था, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिश की। लेकिन पूरे देश के हम आभारी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, वैक्सीन बन करके तैयार है और साइंटिफिक टेस्ट की प्रोसेस में से कंप्लीट होकर के आगे पूर्ण कर लिए सारी प्रक्रिया को, और ये वैक्सीन आपकी जिंदगी को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, आपके परिवार की जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, उन्होंने कहा कि आप वैक्सीन सेंटर में जाइए, वैक्सीन लगाइए, हम बिना पैसे के वैक्सीन आपको उपलब्ध करा दें। और पूरी दुनिया उठ पड़ी, हमने देखा वो दौर वैक्सीन सेंटर में लंबी कतार, और लंबी कतार में जाकर के लोगों ने वैक्सीन का दौर पूरा किया। और हिमाचल प्रदेश के भाई बहनों का तो मैं एहसान चुकता नहीं कर सकता हूं, पूरे देश भर में जब वैक्सीन का दौर चल रहा था तो हिमाचल पहली डोज में भी पहले नंबर पर रहा, दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर रहा, और ये श्रेय जाता हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस के हमारे कर्मचारी, जिन्होंने सारे अभियान को आगे बढ़ा करके इसको पूरा करने में सहयोग किया। आज हमारे कई तरह के हमारे जो विपक्ष के मित्र कई तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा मैं दिलचस्प देख रहा था, दो चीजों पर शोर डाल रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, और महंगाई में 3 दिन पहले दिल्ली में एक रैली थी और उस रैली में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले, राहुल जी, संबोधन करते करते आटे को भी लीटर में डाल दिया। आप कल्पना करो कि देश के नेता की, जिसको बड़ा सबसे बड़ा नेता ये कांग्रेस के लोग मानते हैं, उन्हें अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि आटा किलो में मिलता है कि लीटर में मिलता है। और इस तरह से आजकल सोशल मीडिया में इतने सारे कार्टून चल रहे हैं इस सारे विषय को लेकर के, आप देखेंगे तो आपको आपको हंसी आएगी सारी बातों में। एक नेतृत्व जो देश का नेतृत्व करने की कल्पना कर रहा है, जिसको कांग्रेस की क्या मजबूरी है मालूम नहीं, उसको उस परिवार को ढोए जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे देश भर में कांग्रेस रसातल में चले गई। जितना जिंदगी में कांग्रेस के बुरा वक्त इतना खराब नहीं आया जितना आजकल आ रहा है, सबसे खराब दौर में से गुजर रही है कांग्रेस। लेकिन उसके बावजूद भी उनको उनकी मजबूरी है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन ये दुर्भाग्य है जो पार्टी
50 वर्ष तक देश में शासन करती रही, बड़े बड़े राज्यों में शासन करती रही। आज उस पार्टी की स्थिति ये हो गई कि देश में बची नहीं, राज्य में बची नहीं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, 400 से ज्यादा सीटों में से 367 सीटों पर जमानत जब्त हुई, 2 सीटें जीती। और यहां हिमाचल प्रदेश में आकर के हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। कैसे आएंगे भाई? और इसलिए हम एक बात कह रहे हैं कि रिवाज बदले की बात करें, और रिवाज बदले की बात हम यहां पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं पूरे देश में रिवाज बदल दिया। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना था उसके पश्चात आज तक सरकार रिपीट नहीं हुई थी। 5 साल के बाद हर बार बदलती थी, अब की बार रिवाज बदला। धामी जी थे, धामी जी फिर आ गए। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से यही चला था, एक बार भाजपा, एक बार दूसरा, एक बार तीसरा, बल हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती थी। लेकिन अब की बार रिवाज बदला, योगी जी थे, योगी जी फिर आ गए। मणिपुर में यह हुआ, गोवा में यह हुआ, और हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा यहां पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ोस में पड़ता है, जहां हमारी सरकार कभी बनते नहीं थी। 2014 में सरकार बनी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, और 2019 में फिर चुनाव हुआ, फिर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनकर के वहां का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम नई बात क्या कह रहे हैं? जब पूरे देश में रिवाज बदल गया तो हिमाचल में ये रिवाज क्यों नहीं बदलेगा? और इसको बदल करके छोड़ेंगे, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। हिमाचल में भी भाजपा की सरकार है, और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। ये मैं आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए। जब हमने रिवाज बदलने की बात कही, हमारे कई मित्रों ने कहा कि ये काम तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए थे, और ये बड़े बड़े किसको कहते हैं? हम और आप लोगों को बड़ा छोटा मानते हैं। बड़े बड़ा लोग किसको बोलते हैं? एक नेता कहने लगे कि बड़े बड़े नेता, राजा साहब 6 बार मुख्यमंत्री, वो नहीं कर पाए। जयराम तो किस खेत की मूली है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आदमी ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, आदमी सिर्फ आदमी। ये अटल जी ने अपनी कविता में कहा, कम से कम इन बड़े लोगों को इतना तो उनको मान के चलना चाहिए कि गरीब घर में किसी आदमी ने अगर जन्म लिया तो उसको भी आदमी मानना चाहिए, वो भी इंसान है, उसको भी इंसानियत की नजर से देखना चाहिए। बड़ा वही नहीं हो सकता जो राजा के परिवार में हो, बड़ा वही नहीं होगा जो गरीब परिवार में नहीं, बड़े और बड़े परिवार में जो है पैसे वाले के परिवार में पैदा हो उसको ही बड़ा कहा जाए। इसलिए इस भाषा को ठीक करने की आवश्यकता है, और उनकी भाषा ठीक तब होगी जब गरीब आदमी उनको जवाब देंगे, छोटा आदमी उनको जवाब देगा, तब जाकर के उनकी भाषा ठीक होगी आने वाले समय में। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें गरीब आदमी जवाब देगा कि बड़ा होना बड़ापन नहीं है, छोटे होकर के काम करना वो भी बड़ा हो सकता है। ये भाव अब हमको जो है लोगों के बीच में कहना पड़ेगा। भाई और बहनों, में आप सबके बीच में बहुत लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। आज वो बड़े लोग, वो बुजुर्गों को छोड़ गए थे, 80 साल के बाद हम पेंशन देंगे, लेकिन उन्होंने इस पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि एक गरीब के लिए 1000 रुपए का महत्व क्या होता है। एक गरीब बुजुर्ग के लिए 1800 रुपए की पेंशन जब उसके खाते में जो एक महीने का इंतजार करने के बाद आती है तो उसके उसके चेहरे पर रौनक होती है। उसको लगता है कि मेरी जरूरत की 2 चीजें इससे हो जाएंगी, मेरी जरूरत की 4 चीजें मैं इससे करने की स्थिति में हो पाऊंगा। वो 400 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर खर्च करते थे, क्योंकि वो बड़े थे, हम छोटे हैं। हम 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर खर्च कर रहे हैं। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में पेंशन दे रहे हैं। इसलिए
बड़े आदमी को आभास नहीं हुआ कि छोटे लोगों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, ये बड़े लोगों का सोचने का विषय नहीं बन पाया। हमने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा करके 3,35,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य बना जहां हर घर में गैस का चूल्हे पहुंचा। गरीब आदमी के इलाज के लिए बड़े लोग नहीं सोच पाए, लंबे समय तक सत्ता में रहे, बार बार सत्ता में रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बात को लेकर के सोचा कि गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए हमको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसलिए हमने हिमकेयर की शुरुआत की, और हिमकेयर की शुरुआत करने के बाद आज कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता है, जेब में पैसे नहीं भी है तो हिम कार्ड का कार्ड डाल करके जेब में हॉस्पिटल जाता है, उसे मालूम है कि इससे मेरा इलाज हो जाएगा। बड़े लोग नहीं सोच पाए इन सारी चीजों को, ये छोटे लोगों की सोच का परिणाम है, क्योंकि छोटे लोग उस दौर में से गुजरे हुए। एक गरीब परिवार की बेटी अगर बीपीएल परिवार की है, जिस दिन उस बेटी की शादी हो गई उसके लिए हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में उसकी मदद के लिए दे रहे हैं, ये बड़े लोग नहीं सोच पाए। इसलिए नहीं सोच पाए, उन्हें क्या मालूम उनके लिए 31,000 रुपए का मायना क्या रखा। लेकिन उस गरीब बेटी से पूछिए जिस बेटी को अपने मां बाप से जो है विदाई के समय जाति बात जो है अपने दूसरे घर जाने जहां ससुराल में वो जा रही है, उसकी भावनाओं को कितना सम्मान पहुंचा इस योजना के माध्यम से। हमने मातृशक्ति यहां पर बैठी है, हमने आने जाने का किराया, हमने कहा हम महिलाओं की संख्या आबादी का आधा हिस्सा है और महिलाएं अब काम के लिए घर से बाहर निकलती हैं, और ऐसे में उनका आने जाने का किराया भी हमको आधा करना चाहिए। हमने आधा किराया कर दिया, और उसके बाद वो बोलते हैं कि इनको मुफ्तखोर बना दिया। हमने हिमाचल प्रदेश में पानी का बिल गांव का उसको भी पूरा छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया, हमने कहा पानी हमारे यहां पर संस्कृत में जो है संस्कृति में भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। इसलिए हमने कहा जब पुण्य का काम हम कर रहे हैं, हर घर में नल और नल में शुद्ध जल हम दे रहे हैं और उसका हम पैसा लें, मुझे लगता नहीं इस सारी चीज की जरूरत है। 31 करोड़ रुपए मात्र आता था हिमाचल प्रदेश में पानी का बिल, हमको आधे देते थे आधे नहीं देते थे। हमने तय किया जब आधे नहीं देते हैं तो बाकी उसे नहीं लेना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में पानी का बिल भी पूरा का पूरा माफ कर दिया। हमने आगे बढ़कर के ये भी निर्णय लिया, हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा होती है और बिजली हम दूसरे प्रदेशों को बेचते हैं, हमारी बिजली से पंजाब जो है पंजाब में उजाला होता है, हरियाणा में उजाला होता है, राजस्थान में उजाला होता है, दिल्ली में उजाला होता है, एसी चलते हैं उनके। और हमने कहा कि हमारे लोगों को क्या मिला, इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो गरीब लोग हैं, गरीब के साथ साथ जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनसे बिजली का किराया 125 यूनिट का हम नहीं लेंगे, 125 यूनिट पर जीरो बिल आपको दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जुलाई महीने का बिल अगस्त में आया होगा तो कितना आया, जीरो बिल आया। और अगस्त महीने का बिल इस महीने आएगा तो वो भी कितना आएगा, जीरो आएगा। और कांग्रेस के लोग जो हमको ये बोल रहे थे कि आपने मुफ्त कोर बना दिया, अब उनको ये मालूम होना चाहिए। अभी उन्होंने घोषणा की, गारंटी दी, आजकल गारंटी वाला काम चल रहा है और गारंटी में क्या हो रहा है, कांग्रेस के लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसकी गारंटी हमारी, उसकी गारंटी हमारी, जब तुम्हारी अपनी ही गारंटी नहीं है तुम काहे को गारंटी दे रहे। कह रहे हो कि हम 300 यूनिट देंगे। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, एक तरफ तो हम 125 यूनिट दे रहे हैं, हमने तो मदद की है, और आप बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट दे रहे हैं। जब हम 125 यूनिट दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम जो ये जो हिमाचल प्रदेश में मुफ्तखोरी जो है वो आपने शुरू कर दी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो। जहां इनके अपनी सरकारें हैं इनको पूछिए कि हेलो के यहां पर क्या भाव बिजली मिलती है,
क्या बिजली का टैरिफ वहां पर क्या है, इनको पूछिए छत्तीसगढ़ में वहां पर बिजली का रेट क्या है, इनको पूछिए कि क्या वहां पर आप 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं क्या। जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां नहीं दे पा रहे हैं, यहां गारंटी देने निकले हैं। इसलिए मैं उन सारी बातों को छोड़ देता हूं भाई और बहनों, क्योंकि समय की कमी है और आप सबको भी देर से पहुंचने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। या आप लोगों ने भी जाना है, यहां आपके क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी चीजों को लेकर के दोहाला जी ने जो आग्रह किए हैं, मैं इतने ही कहना चाह रहा हूं कि हम बैठेंगे और आपके मंडल के साथ साथ में आपके साथ बैठ करके जो विषय उसमें जो करने के होंगे, बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें करने की दिशा में आगे हम बढ़े हैं, और जो भी चीजें उसमें अच्छी लगती हैं, जो करने की लगती हैं, उसके लिए हम बैठ करके समाधान करेंगे। क्योंकि आजकल इन कार्यक्रमों में हमने जनरली तय किया है कि हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन बैठ करके जो भी चीजें अभी भी हम चुनाव आचार संहिता से पहले जो कर सकते हैं उनको हम निश्चित रूप से करेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। चाहे वो स्कूलों का जिक्र किया है, चाहे कुछ और चीजों को लेकर के हमने जिक्र किया, उन सारी बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, उसका समाधान करेंगे। लेकिन आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि जहां हम रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, वहां आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उसमें आप सबके तो उसमें मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप जरूर इस बात को लेकर के जो आपका सहयोग रहा हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का पिछली बार भी, अब की बात फिर से जो जब ये चुनाव होंगे तो आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग उसमें भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश में